नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन भानू के बैनर तले दर्जनों किसान आज एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कई मांगे उठाई, जिनमें प्रमुख रूप से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई। किसानों ने कहा कि गुलदार जिले में आतंक का पर्याय बन चुका है, गुलदार के हमलों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किसान यूनियन ने प्रशासन से तुरंत गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। इसी के साथ ही उन्होंने मृतक परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की भी मांग की। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख नेता वीरेंद्र गुज्जर, प्रधान विनोद कुमार, राकेश कुमार, सुरेश चंद, विपिन कुमार, महेंद्र सिंह आदि सहित किसान मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह गुजर, प्रधान राष्ट्रीय मुख्य महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानू। आज ये धरना प्रदर्शन है कलेक्ट्रेट में, क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? आज ये कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन इसलिए है कि जिस जिले का नाम है जनपद बिजनौर, पर इसका नाम हो गया गुलदार, क्योंकि जिले के अधिकारी, जितने भी अधिकारी जिले के अंदर है, वो सब अपने बंगलों में रह रहे हैं और यहाँ के जो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, पत्रकार सब सड़कों पर, खेतों पर सूचना लेने जा रहे हैं, पर इन अधिकारियों के कानों में कोई आवाज नहीं जा रही है, ना ये शासन तक आवाज पहुंचा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, इस जिले के मुख्य विकास अधिकारी महोदय हो, चाहे कप्तान साहब हो, चाहे पूरे जिले के समस्त SDM हो, चाहे समस्त थाना अध्यक्ष हो, चाहे समस्त क्षेत्र अधिकारी हो पुलिस के, मैं सभी से कह रहा हूं आवाज सुनो, नहीं तो बंगले खाली करो, और बंगले खाली करके तुम आओ किसानों के बीच, अब बंगले में गुलदारों को बंद करो। ये हमारी चेतावनी है इन अधिकारियों से, और ये भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह का आदेश लेकर मैं आप सबके बीच और हमारे सब पदाधिकारी किसान मजदूर यहाँ पर खड़े हैं, और जो इन्होंने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश का गृह मंत्री अमित शाह बैठ के दिल्ली में बयानबाजी करते हैं, धरातल पे आओ, जो एक जो हमारे जो नौजवान थे सेना में जाते थे उनको कर दिया निवीर, जाओ घर, 4 साल की सेवा करके अपने घर चले जाओ। हम कहते देश के प्रधानमंत्री जी, आप किनके लिए 6 महीने का समय रखो प्रधानमंत्री बनाने का, 6 महीने के बाद अपने घर जाएंगे। किसान आयोग का गठन नहीं कर रहे, किसान आयोग का गठन करें। और सबसे पहली समस्या है, अगर किसी भी गुलदार से जितनी मृत्यु अब तक हुई है उनको मुआवजा तक नहीं मिला, हम मुआवजे की मांग करते हैं 50 लाख रुपए, और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जितने ये SDM बैठे, तहसीलदार बैठे हैं, ये तहसील में भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, अपने लेखपालों से कह दिया पैसा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश ये हुआ था किसी भी ऑफिस में प्राइवेट आदमी काम नहीं करेगा, इस जिले के अंदर हर ऑफिस में 4-4 आदमी प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनके सारे दलाली का काम चल रहा है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।